नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा। अपने लोग देख रहा है मिथिला मिरर। तो मिथिला मिरर के विशेष भेंटघाट कार्यक्रम में एक बार फिर अपने लोगों के बहुत बहुत स्वागत है। एक और राजनीतिक सिद्धस्थ चेहरा के लोग अपने लोग सोझा एलो हैं और इनका विषय में की कह पत्रकारिता से अपन करियर के शुरुआत करे, फिर राजनीति में अला, माँ सीता के जन्मस्थली सीतामढ़ी से चलि कर मध्य प्रदेश, ओके बाद ओहिठाम से फिर केंद्र तक में आई मिथिला मैथिली के नाम पताका लहरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद प्रभात झा जी हमारा सबक संग है। इनका से बातचीत करब और बहुत रास मिथिला मैथिली से जुड़ल सवाल के जवाब आ आई पर इनका पक्ष जन लें। सर बहुत बहुत स्वागत है आई मिथिला मिरर। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। सबसे पहले जे छे, चूंकि अहाँ के जुड़ाव ओहि जगह से छे जे जगह से सनातन के जे परिचायिका रहली है सीतामढ़ी में, माँ सीता के जन्म भेलनि ओहिठाम से अपने अबै छी। मध्य प्रदेश से अहाँ के राजनीतिक सफर के शुभारम्भ भेलै, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जे छे से दिल्ली पटना के राजनीति में जे छे से मैथिल के कतौ देख रहल छी अहाँ? देखियौ, राजनीति कोनो व्यवसाय नहि छै जी, कि अहाँ व्यवसाय में कतौ व्यक्ति के देखै छी। इस स्व प्रेरणा और भगवत प्रेरणा के कार्य छी जी। माँ भगवती के प्रेरणा से जकरा मन में होइ छे जी, वो अपन घरक चिंता छोड़कर समाज के घर के चिंता में लग जाए छे। और ई भावना से जे लोग काज करे छे हुनका समाज स्थापित करे छे जी। हम कतबो पैग भ जाए लेकिन अगर समाज के स्वीकारता नहीं छे तो पटना होए, भोपाल होए, जम्मू कश्मीर होए, केरल होए, अहाँ के स्थान नहीं बनत। काज करो पड़े छे, समाज के दर्द और पीड़ा के पीबो पड़े छे, तखन जाकर काज बने छे। ठीक है, अहाँ के संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, चूंकि मैथिली के लेल जे किछु काज भेलै है, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर होई, राज्य स्तर पर होई, ताहिमे भारतीय जनता पार्टी के एकटा अहम योगदान रहलै है, चाहे वो मैथिली कस्टम अनुसूची में होई या फिर रुपया पर वो चीज के अंकित करवेनाई हो इत्यादि इत्यादि। तो की अटल जी द्वारा जे छै से मैथिली भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह देला के बाद ई आंदोलन तो ये समाप्त हो गेलै, या फिर ये आंदोलन के कोन तरह आगन लोग जायल जाए जे एकरा व्यावसायिक रूप में एकरा प्रस्तुत कयल जाए? देखियो, बिहार में खास कक मिथिलांचल जी, नेहरू जी के जमाना से अष्टम सूची में स्थान एबाक चाही, ई लोग मांग करत रहले। डॉक्टर जयकांत मिश्र डिलीट छला है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट छला इंग्लिश के, हमरा बाबूजी के नीक मित्र छलके ना, ओहो नेहरू जी से भेटल के, इंक्लूडिंग अमरनाथ झा जी ओहो सब ए सब में केलखिन, लेकिन जे स्थान भेटवाक चाहिए नहीं भेटले। अटल जी केलखिन का कोनो उपकार नहीं केलखिन, मिथिला माटी के वो स्वर छले गया, वही स्वर के वो नीक स्वरांजलि दिलखिन कि नहीं आओ अष्टम सूची में शामिल छै। कि मिथिलांचल बहुत गरीब इलाका छी, मिथिलांचल में भी यहाँ सर्वे करबे तो 20-22% लोग गांव पर रह गेल छै, सब आजीविका के लेल भाग गेल छै, खेती में ही सामर्थ्य नहीं छै कि वो ई सब कके अन्य काज कर सके छे। और आई आर्थिक पक्ष कमजोर भेलाक पर अहाँ के मन में कतबो नीक भाव हुए, अहाँ पहले घर क्या घरों जे छे ने वो समाजक हिस्सा छे, तैं आर्थिक रूप से जे लोग नीक छथि हुनका हम काल्हिओ हम कार्यक्रम में जतौ जाइ छी कहै छियनि कि अहाँ शहर में जरूर रहू लेकिन अपन गाम के नहीं बिसरू, अपन अपन गामों के लोग सम्हारि देता तो बुझू कि नीक छै। एहन बात नहीं छै कि भारत में मैथिल सब कोनो नीक नीक पद पर छथि, लेकिन की होइ छै जखन गाम छोड़े छै तऽ गाम बिसरि जाइ छै, गामक गाछी बिसरि जाइ छै, गामक खेत बिखरि जाइ छै, गामक पोखरि बिसरि जाइ छै, गाम के घर द्वार रिश्ता सब बिसरि जाइ छै। एहि कारण से आर्थिक स्थिति जिनकर नीक छन हुनका सबके चाही कि चलू एक बार गामों के देखबै। ठीक छै, आर्थिक स्वावलंबन के यहाँ बात केलहुँ हैं तो पर्यटन जे छै से एकटा बड़का मुद्दा बनि सकै छै, चाहे अपने लखनऊ जाए, ओहिके बाद जोधपुर उदयपुर जतय जाए, एकरा एक पक्ष हम मानि रहल छै, दोसर पक्ष अहाँ देख लियौ दरभंगा छै, राजनगर छै, बलिराजगढ़ छै, तो एकरा अगर पर्यटन के दृष्टि से अगर डेवलप कयल जाए तो चूंकि यहाँ पत्रकार छी, पूरा देश दुनिया हर जगह घूमै छी, पर्यटन के बढ़ावा देल जाए, स्वरोजगार जे छै से ओहिठाम बेसी से बेसी भऽ सकै छै? हम लगातार प्रयत्न कर रहल छी जी। डॉक्टर फणिकांत मिश्र जी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता में डायरेक्टर छथि, हुनका से हमर नीक संपर्क
मिथिलांचल में कत कत पर्यटन स्थान भ सके छे। कालिदास जी के बारे में कहल जाय छे कि जन्म कत भेलन उज्जैन में, लेकिन हुनका ज्ञान कत भेटलन उच्चैठ में। एना एक नहीं मंडन मिश्र के छे, बिस्पी छे यहाँ के विद्यापति, ई सब चीज भ सके छे। एकटा ई उदाहरण देलहुं अहाँ भगवान राम के, सीता जी के, पुनौरा जेना लोग चंद्रशेखर आजाद के जन्म स्थली भारत के सबसे पैघ शेड्यूल ट्राइब इलाका में भेल छे, ओकर नाम छे भाबरा अली राजपुर जिला में, ककरो पता नहीं चले। वेन प्राइम मिनिस्टर ओत पहुंचलखिन है तखन लोग के पता लगल है। अहिना पुनौरा के बारे में स्वामी अवधेशानंद जी गिरी से हमरा गप भेल, हम कहलियन कि महाराज अहाँ बुझे देख कतो छिए, लोग के की होइ छे सीतामढ़ी, लेकिन वो हमरा वचन दे लेता है कि माँ सीता के जन्म स्थान पर अहाँ तय करू, हम अपना सामर्थ्य से हमरा जतेक वर्ल्ड में लोग जीने है वो सब प्रयास कर के हम 307 दिन के कार्यक्रम ओत देव अहाँ करू, जैसे पुनौरा के स्थान बने। हम चाहे देखिए हमारे जीवन के कितना संघर्ष है, वो संघर्ष माँ जानकी के चरण में है, वो ई है। और लगातार 6000 पत्र हम लिखने चाहिए, हमारा रिस्पॉन्सो भेटल है नीतीश कुमार जी से, हो कह लेता कि हम करब किछ न किछ, हमारा प्राइम मिनिस्टर से हो जैया जेता सीतामढ़ी तैया उठ हम जेबे करता, हम खूब कोशिश में लागल छी। लेकिन दिक्कत की छे कि पुनौरा में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से हो 9 दिन कथा करे छे, हम एक मिनट हम सब चीज कर रहल छी, पुनौरा के वो स्थान भेटो चाहिए। अगर भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के लिए अयोध्या छे तो हमरा सब के लिए विश्व में पुनौरा सीतामढ़ी। सीतामढ़ी नाम क्या पड़ल ककरो नहीं बुझल छी, सीता जी के जखन जनक जी हल जोते रहथिन निकलखिन तो एकटा मढ़ी में लग गेलखिन, ओहि मढ़ी के कारण ओकर नाम भेले सीतामढ़ी। अइ लेल सीतामढ़ी ओहि में पुनौरा ओकरा विश्व में स्थान भेटे, वो विश्व के संस्कार धानी बने, ये हमर प्रयत्न है। कतेक सफल हो छी माँ जानकी की कृपा। अहीं के प्रश्न में से एकटा हमरा प्रश्न भेट गेला, अगर राम के नाम पर राजनीति भ रहल छै, ओकरा राजनीति कहिए या चुनावी एजेंडा जे कहिए हम ओहि में नहीं जाए, अगर बिहार में बुद्ध सर्किट के निर्माण भ सकै छै तो सीता सर्किट किया नहीं बन सकैया जी? अगर सीता सर्किट बनते, बुद्ध सर्किट बनते और दूटा सर्किट बन के उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में जे एकटा खाई भ गेल छै ओकरा फाटल जा सकैए? देखियो मध्य प्रदेश में राम सर्किट आग बुझल कामतगिरी एक स्थान छै चित्रकूट में, जतय 14 साल के वनवास से 11.5 साल भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के वनवास सीता जी लक्ष्मण जी के साथ वही आदिवासी इलाका में बैठे, वो तो स्थान छै कामतगिरी बड़ पैघ पहाड़ छे, वही के लोग एखन परिक्रमा करै छै और उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों कर मान्यता देने छै। अहिना पुनौरा के में सीता जी के बिहार में सर्किट बने जत जत गेल छथिन, अहाँ जखन देबे बियाह होइ छै लोग फूल कतौ लेबे जाइ छै फूल परास जाइ छै, ओ एहन कतेक स्थान छियै जतौ माँ जानकी के तौ गेल छथिन, जनकपुर छियै, नेपाल से हमर जानकी यात्रा की निकललै है के निकाल के विश्व हिंदू परिषद निकाल के, अइ लेल हमर सब के प्रयत्न है। दिक्कत की छियै ई राजनीतिक सवाल नहीं छियै, ई सांस्कृतिक सवाल छियै। माँ जानकी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ई राष्ट्रीय धरोहर छथिन, आदर्श छथिन, जिनका जीवन में नाम लगा हम सब अपना जीवन के मनुष्य जीवन के उद्धार करे चाहे छी। और एहन उद्धारक पर्सनैलिटीज के बारे में जे अहाँ के साहित्य में, संस्कृति में, गीता में, अहाँ के रामायण में, रामचरित, अइ तरहक आदर्श जीवन के हमरा सबके राजनीति नहीं तो राष्ट्र नहीं छे, अइ पर हम सबके सहयोग चाहे छी। और हम जतौ जाइ छी ई कोशिश करै छी, अहाँ कहलहुँ हैं तो अहूँ के कहला पर ललित बाबू हम एक बेर नीतीश जी से भेंट करबनि, हुनका निवेदन करबनि और निवेदन में या कहबनि कि किया नहीं अहाँ बनबै छी सीता जी माँ जानकी के सर्किट। ठीक छै, नीतीश जी से अहाँ भेंट करबनि तऽ एकटा व्यक्तिगत जे छै से हमरो इच्छा है जे हम हुनका संगे बैसब तऽ एहि चीजके तऽ उठेबे करबै, ओना बेर बेर प्राय हम सब हर साक्षात्कार में एहि विषय के उठबै छियै। बिहार राज्य गीतमे जे छै से मिथिला शब्दके कतौ वर्णन छै? एकटा वैशालीके तऽ छोड़ि देबै, आ वैशाली अपना आपके कतेक मैथिल मानै छथिन, हमसब जबरदस्ती कहै छियै जे ओ सब मानै छथिन ओ तऽ एकटा अलग बात छै, लेकिन वैशाली शब्दके छोड़िकऽ उत्तर बिहारसँ कोनो एहन शब्द नहि छै जे बिहार राज्य गीतमे छै? अगर अहाँके भेंट हुए नीतीश जी से तऽ अहाँ एहि विषयके चर्चा जरूर करबनि हुनका कि मिथिला जतौसँ सबसँ बेसी सांसद बिहार विधान मतलब लोकसभा में पहुंचे छै, केंद्र में लोकसभा में और बिहार विधानसभा में सबसँ बेसी विधायक वह क्षेत्र से आबै छै, कि ओहि क्षेत्र के उपेक्षा क क ई पर देखियो ककरो जो मन में उपेक्षा नहीं, दिक्कत की छियै राजनीति में ललित जी जखने लोग किछ बन जाय छै, हम काल्हि निवेदन कयलहुँ हमेशा करै छी
देखियो हमारा ओठम मिथिला के टा स्वभाव छे विद्वान के अहंकार नहीं होना चाहिए, अर्थ के अहंकार नहीं होना चाहिए, रीढ़ के हड्डी जिना शरीर में छे वही सब मजबूत कोनो चीज नहीं हुई छे, लेकिन वो नहीं हेते तो अहां झुकी नहीं सके छी, अहां चल नहीं सके छी। हमरा मिथिला वासी से एकटा निवेदन है, भगवान मर्यादा रामचंद्र जी जकर बहनोई छथिन, सीता जी जकर बहिन छथिन, ओकरा कोनो अहंकार से हो चाहिए नहीं हो चाहिए। दिक्कत की छी मिथिला के संगे सबसे पैघ प्रॉब्लम जे हम ऑब्जर्वेशन केलो है कि कनिक पैघ भ जाय छी त धरती से ऊपर उड़ लगे छी, ई जे उड़नाई छी ई बंद हुआ चाहिए। पड़ोसी अगर अहाँ के भूखल है तो अहाँ कतबो करोड़पति छी कोनो मतलब नहीं, अहाँ के जीव के पड़ोसी नारायण छे, ओकर सेवा करो चाहिए। और अई भाव से यदि मिथिला में काज हेते अहाँ कतेबो सांसद चुन दिए की भले, हम ककरो नाम नहीं लेबे चाहे छी, बहुत पैघ पैघ लोग चीफ मिनिस्टर भेला की केलखिन, वो सवाल ही नहीं छे, वो नहीं केलखिन तो आप नहीं हो चाहिए। अपना संस्कृति के जागरण के लिए जो अभियान चल चाहिए मिथिलावासी के ओ अभियान में आगल, और जे केओ आगा आवै ओकरा सामर्थ्य देवक के काज समाज के छे। समाज सामर्थ्य से संस्कार से और सात्विक भाव से आध्यात्मिक भाव से जे केओ काज करे छथि हुनका हमरा सबके सहारा देवे चाहिए। दिक्कत की छे मिथिला में कनी कहाँ बढ़ू तो अहाँ एक पैर आगा बढ़े तो चार हाथ पकड़ के खींच देता अहाँ, ये झंझट छे अई डर से केओ मिथिला में पैर नहीं दी छे। ठीक छे, अहाँ के राजनीतिक शुरुआत भेला चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के बड़ नीक परंपरा है जो संघ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है दोनों के समावेश हो, तो चूंकि संघ से बहुत करीबी संबंध है अहाँ के सरकार में छी, तो अहाँ जैसे से मिथिला राज के विषय में किया नहीं बजे छी, चूंकि प्रभुत्व पावर में छी, हर हर दृष्टि से अहाँ कुशल व्यक्तित्व छी, तो फिर अहाँ के मुँह से ये बात किया नहीं उठ रहा है। हम एक बेर नहीं अनेक बेर कहलूँ है, छोट राज्य के स्थापना में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट मान्यता छे, जेना छत्तीसगढ़, झारखंड और अहाँ के उत्तराखंड के बनल के भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अइ सब में सामर्थ्य छले है। हमरा पहले मिथिला में अलग हुआ के लिए की सामर्थ्य छै की ओइ सामर्थ्य के हम सब कोनो रोड मैप बनेने छी की, दिक्कत की छे राजनीति अपना के चमकावो के लेल कि समाज के चमकावो के लेल, मिथिला राज के नाम पर नेतागिरी करो के लेल या मिथिला राज बनावो के लेल। अष्टम सूची के लेल जे तरह आंदोलन भेले लगातार वही भाव से मिथिला राज के स्थापना के बात हुआ चाहिए, ओकर जेन्युइन की छे किया हाँ चाहे छे की कारण छे, अगर वो सब प्रस्तुत हेतै तखन ओना नहीं होइ छै मांग कऽ देलहुँ, मांग तऽ लोक की नहीं करै छी, लेकिन भगवानो ओकरे सुनै छथिन जकर आत्मा सँ परमात्मा के मिलन भ जाइ छै, अइ लेल मांग केनाइ उचित छै, लेकिन मांग किया करै छियै इहो बुझनाइ उचित छै। अइ के बाद जैसे से हम कनेक मैथिली पर आबै छी, मैथिली जैसे से मैथिली के की बाजारू बनायल जा सकैए, ओकर बाजार भ सकै छै और भ सकै छै तऽ कोन तरहें भ सकै छै। आप देखो हम छोट उदाहरण दे छी, हमारे एक किताब दिसंबर के बाद आवे वाला छी जी, हम वो सब चीज रखल छी कर रहल छी जे लोग बिसरि रहल छी, जेना गोसाउनक गीत, जेना धर्मराजक भगवती के निपनाई पूजा केनाई, मुनि बाबा के पूजा केनाई, महाफा लोग बिसरि गेले, कहार बिसरि गेले, घर में चित्रकारी बिसरि गेले, केना लोग बेटी के पाले छे से बिसरि गेले, पाहुन दरवाजा पर पाहुन अंगना में के जेता नहीं जेता वो सब चीज पर छोट छोट गप छे, लेकिन ओइ सब के लोग बिसरि रहल छे। और एहन कोनो पुस्तको नहीं छे जेमे कहल जाए सामान्य भाषा में कि महाफा की होइ छलिए, कहार की होइ छलिए, डोली की होइ छलिए, ई सब अगीत की होइ छलिए, पाहुनक लेल कोन गीत, सार अयले तो कोन गीत की कहाँ, बहुत तरह सौमध के लेल कोन गीत, समधियाना में जेला केना जेबे, ई सब जेना पाग अहाँ कहलहुँ छत्ता लोग बिसरि गेल छे, खाली बारिशे लेल छत्ता नहीं होइ छलिए, छत्ता छलिए सुरक्षा के लेल, ओहिमे एकटा अथियो होइ छै लोहा के नुक्कड़, रौदो से लोग बचा चाहे छे, टिकाहो लोग जमीन पर चले छे, लेकिन ऐ सब के लोग बिसर गेल छे, धोती पहिरनाय लोग बिसर गेल छे, अपना सुविधा के लिए संस्कृति नहीं छे, संस्कृति अइ पर हमर सब के ध्यान अइ, हम जे कह सके छी
वो एक हमर मर्यादा है, हम खुल कर कहे छे, हम संघ के स्वयंसेवक के अलावा राजनीतिक दल में काज करे छे, लेकिन समाज दल में जखन काज करे छे तो ये सब ऊपर छे, समाज से पैग राजनीतिक दल नहीं छे, लेकिन समाज के सहयोग चाहिए। दिक्कत की छे कि यहाँ जखने बिहार में जाए तो लोग दे रो चुनाव तो नहीं लड़ाई गेलो रे रा 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 धर 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 के चक्कर में पड़ा है। तो आई डर से हमरा बहुत निक लगे जखन हम मधुबनी जाए छे, मधुबनी में घर है हमरा, हमरा बड्ड निक लगे सीतामढ़ी जाए छे, दरभंगा जाए छे, सहरसा जाए छे, समस्तीपुर जाए छे, देखे छी पाहुन निपनाई लोग बिसर गेले, अब तो सीमेंट भ गेले सब ते पंखा नहीं लगे छलिया, ओकरा बादो घर में लोग के नींद अबे छलिया, किया फूसक घर में गर्मी कम लगे छे, फूस बिसर गेले लोग, अब बारहन लोग बाजार से लबे छे, घरक खजूरक पातक बारहन नहीं बने छे, वो सब लिख रहल छी हम। आई लेल अपना संस्कृति के जीवित राखे के काज ओकर छिए जे संस्कृति के पुरोधा, हमरा आत्मे कहबा के कि मिथिलांचल में मैथिलक सहयोग के बिना किछु नहीं भ सकै छी। लास्ट सवाल, चूंकि समय यहाँ लग बहुत कम है, दू मिनट में एकटा चीज साहब, जे चाहे अहीं के मंत्रिमंडल के हम लो रहल छी, जगत प्रकाश नड्डा अहाँ के मित्र छथि, बहुत बढ़िया हेल्थ मिनिस्टर, या अर्जुन राम देखभाल भऽ गेलथि, राजवर्धन सिंह राठौर, या एहन एहन तरह जे व्यक्तित्व सब अबै छथि, तऽ ओहि प्रदेश के जे चीज छै तकरा ओहिठाम संसद मे प्रस्तुत करै छथिन, चाहे हिमाचली टोपी भेलै या ओ अहाँके राजस्थानी मुरेठा भेलै, तऽ जे मैथिल अहाँ सब छी से कम से कम संसद मे एको दू दिन पाक पहिर कऽ किए नहि जाइ छियै? देखियौ की छियै, हम मैथिल छी, एहिमे हमरा गर्व अछि, लेकिन अइ के लेल कोनो चीज देखाबो के लेल की छै, विद्यापति पाग पहिरलखिन, पाग मतलब होइ छै समाज पाग पहिरै छै, हम अपने पाग पहिर ली आ अपने विद्वान भ जाय तऽ ई तऽ नहि नीक छै, क्यों हमरा पाग पहिराबे कि नहि अहाँ हमर पाग छी तो ओहि पाग के हम मर्यादा रखबै। दिक्कत की छियै, अपन ओ कहै छै ने, कापर करू श्रृंगार पिया मोर आनहर भेल, हम ककरा लेल श्रृंगार करू, हमर तऽ पिया आनहर छथि, तो दोसर हमारा नजर हमारे पड़ोसी के नियत खराब हो जेते, आई लेल ई सब चीज सब पाग छिए, हम अते जरूर कहब कि हम पाग पहिरी नहीं पहिरी, क्यों पहिराबा नहीं पहिराबा, हम मिथिला के पाग के मर्यादा के साथ खिलवाड़ नहीं कर देबे। दिक्कत की छे पाग पहिराल जाय छे जमाय के पाहुन के, पाग अपने नहीं लू पहिरे छे, हमरा पहिराउ हम कहियो ने फेंकब, हम सम्मान रखबे। बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि समय यहाँ लग कम है, छोट सन समय में हमारा सब विभिन्न विषय पर मिथिला मैथिली से जुड़ल विषय पर बात करूँ, अजरा जी व्यस्तम समय में से अहाँ एतिक समय मिथिला में रहकर देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अलग जी, खूब आगा बढ़ू, नाम कमाओ। ई छलथ है प्रभात झा, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मिथिला मैथिली से जुड़ल खाँटी जो विषय है तक हम सब छोट समय में उठेबाक कोशिश कलूँ, और आगू हिंदा संगे बैसब और विभिन्न विभिन्न विषय पर हम सब बातचीत करते रहो। कैमरा सहयोगी केशव कुमार के संग हम ललित नारायण झा अपने लोगों से विदा लेब, और अगला अंक में फिर कोनो दोसर राजनीतिक और अन्य अन्य क्षेत्रक जे हस्ती लोकनि छथि हुनका सबसँ बातचीत करब, ताधरि अपने सब पढ़ैत रहू, देखैत रहू और सुनैत रहू मिथिला मिरर।